हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया है। और गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, आज हमने दीवार पे फोटो फ्रेम लगा लिया है। नैनो चलो अंदर, आप भी बोलो। नैनो भी बोलेगी हाय। नैनो आजा बोलो। तो गाइस, आप पीछे देख सकते हो, बैक साइड में फ्रेम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफी टाइम से सोच रहे थे। और पर्दे भी लगा दिए वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पर्दा नहीं था। गेट की जो एंट्री होती है हमारी, जो गैलरी टाइप की है, तो उस साइड में सूज भी रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पर्दे थे लॉन्ग में। वैसे ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है। अब थोड़ी देर में मैं मशीन खोलूँगी, उसके बाद उसमें सिलाई रखूँगी, नीचे से थोड़ा काट दूँगी, है ना। हाय कर दो। इसे नीचे रखो। कैसे हो? ठीक हो? बोलो आ जाओ नानी ने। और मेरी मम्मी ने बनाया कड़ी चावल। कल मॉर्निंग में भैया भी चले जाएंगे। कल मॉर्निंग की फ्लाइट है उनकी 6 बजे की, तो 4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो उन्हें कड़ी अच्छी लगती है, तो मम्मी ने कहा आज फिर से कड़ी बना लेंगे उनके लिए, मूली डाल के। और फिर अभी भैया भाभी बैठे हैं, एल्बम देख रहे हैं शादी की। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, भैया भाभी की हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे भाभी किचन में जाते हैं तो चले जाते हैं किचन। मतलब भाभी को बोलते हैं कि आप प्याजो करो तो मैं सब्जी काटूँगा। तो भैया ने सारे करेले काट के रखे हैं, और अब लहसुन भी छिलने हैं क्योंकि दाल में छौंक लगानी है। तो अच्छे हैं भैया, हेल्प करते रहते हैं। जैसे रोटी बनाएंगे तो बोलेंगे चलो। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी है, मैं बाद में दिखाऊंगी। कल इन्होंने, हाँ कल इन्होंने मेरे साथ रोटी बनाई थी। आज ही बनाऊंगा हैं, क्योंकि गर्मी लग जाती है आजकल। तो भाभी कल कुछ काम करने लग गए थे, और नैना देखो कैसे देख रही है। हाय करना। हाय। कैसे हो? ठीक हो? आ जाओ बोलो। तो गाय, आजकल यहाँ पानी बहुत कमी हो रही है। मत कर नैनू। नैनू ने बाल नीच लिया, छोड़ा ना इसका। तो ये ना बाल नीचती रहती है। हाँ, वैसे ही बहुत झड़ रहे हैं, तो और ज्यादा खींचती रहती है। और आजकल यहाँ पानी की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि शाम को, जैसे शाम को आ रहा है तो फिर मॉर्निंग में नहीं आ रही। ऐसे हो रहा, नहीं तो दोनों टाइम आता था पानी। तो मम्मी भर लेती थी। 500 का है ना टंकी, 500 लीटर की टंकी है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है छत पे। 15 कितने टंकी आएगी ना आपने, मतलब हाँ 10-12 टंकियाँ तो होंगे। तो जब हमने ये फ्लैट लिया था भैया लोगों ने, तो 500 लीटर का ही डाल दिया उन्होंने भी, ऊपर चढ़ा दिया। तो पानी तो बिल्कुल ही गया। आप तो हाथ में धोने के लिए, या फिर बर्तन धोने के लिए भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा सारे बर्तन सिंक में डाल देना। करेले की सब्जी और दाल बन रहा है आज घर पे। रोहित गया है जिम, पापा अभी ड्यूटी से नहीं आए। और नैना की ना लूज मोशन ज़्यादा हो गए थे उसे, पता नहीं जैसे ही कुछ खा रही है ये वैसे निकाल दे रही है बाहर। तो अभी अभी उसके लिए दो ये सिरप लेके आई हूँ सुबह शाम खाने। अभी अभी एक तो दे लिया इसे, 30 ml। इधर जाओ बेटा, नहीं खा लिए। क्या कर लो? तो मेरे हस्बैंड देखो नैना की गाड़ी से खेल रहे हैं। पुलिस आ गए नैनू दुबई के। अरे नहीं, गिर जाएगा यहाँ पे, नीचे खेलो। चलो चलो नैनू, नहीं खेलना, चलो बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही इसे ऑन करके रखते हैं, तो बस नैना बिल्कुल ऑफ नहीं करने देती, बोलते बस मत करो, खेलती रहती है इसके साथ। और मम्मी जैसे सीरियल देखेगी तो मम्मी को प्रॉब्लम होती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे रूम में जाओ। पर बच्चे ये है ना, जहाँ पे सारे रहेंगे वहीं पे खेलेंगे, खेलना अच्छा लगता है उन्हें। तो फिर ना उस अलग रूम पे खेलती नहीं। तो मम्मी ने कहा जब हरिद्वार चले जाओगे तो वहाँ उसके लिए सही है, खेलते रहना। नहीं नैनू वहाँ रखते दवाई प्लीज। चले मामी कस्टर्ड बना दिए। तो गाइस, आज इसकी मामी बना रही है कस्टर्ड। खाना बना लिया हमने, अभी खाया नहीं। अभी अभी रोटी बना के आए हैं, आप देख सकते हो पसीना हो रखा है अभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना होता है। यहाँ पे मोचे, मुंह के ऊपर भी जहाँ पे मोच होते हैं।
और नैना खा रही है बनाना, एसी के हवा में बैठी है नैना है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी, देखो मेरे हस्बैंड भी लेटे हैं, एसी चला रखी है और रोहित भी जिम से आ रखा है, तो ऊपर मुंह में उल्टे थे क्या, ऐसे ही सोता है ये, पता नहीं क्यों, गर्मी हो सर्दियों से एक तकिया चाहिए, सर के नीचे नहीं रखेगा, सर के ऊपर रखता है, पता नहीं क्यों। और मम्मी ने कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स काट रखे हैं, कुछ बनाना काट रखे हैं, एप्पल काट रखे हैं और दूसरे प्लेट में काट रखे हैं, ये पपीते और अनार काट रखे हैं, तो ये सारे हम मिक्स करेंगे। अब हम तैयारी कर रही है बिस्टर बनाने के लिए, मिक्सी निकाल दिया और अब इसमें ग्राइंड करेंगे, बना के रख लिया ना थोड़ी देर पहले फ्रीज में सेट होने के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, कस्टर्ड एकदम सेट हो गया है, अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। जब भाभी आई तो भाभी ने ही खिलाया, तो मैंने भी सीखा, जो पहले जब शादी हुई थी भाभी की वो शाही में यही थी, तो मैंने सीख लिया था, फिर मैंने हरिद्वार ही बनाया था और मेरे हस्बैंड भी लेके गए थे ऑफिस में, उनके फ्रेंड दो तीन थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। फ्रूट कस्टर्ड तो गाइस रेडी हो गया है कस्टर्ड, हम फ्रूट मिक्स कर रहे हैं। तो ये थोड़े पपीते और अनार डाल लिए हैं, पहले एप्पल और डाल लिए थे बनाना, और थोड़े किशमिश डाल दिए हैं, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो आप सबको पता है खाने में फ्रूट कस्टर्ड कितना अच्छा होता है, तो आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। फ्रूट कस्टर्ड और फ्रूट ज़्यादा ही फटते हैं। और टाइम हम किस चीज की डालते हैं, इस टाइम भाभी ने किस चीज की डाली है, बहुत आसान तरीका है इसको बनाना और खाने में टेस्ट होता है और हेल्दी रहता है। और नैना मालिश करने में मामा के पेट में फिर दर्द होने लगता है, मम्मी बैठी है, पापा मैच देख रहे हैं, भैया भी किसी के घर गए हैं बगल में, ये लोग रहते हैं जो पड़ोसी, तो उनके घर गए हैं। इस रूम में तो हाँ सुकून मिलता है, दिल्ली में बाहर निकलने का मन नहीं करता, जिस रूम में ऐसी रहता है उस रूम में बहुत अच्छा लगता है, सारे दिन में यही सोते हैं, कोई नीचे कोई ऊपर, भैया भाभी मैं और नैना उसके पापा मम्मी, हम सारे दिन में यही सोए सोते हैं। नाच नैनू, मम्मी की मालिश करती है नैना, वेरी गुड, करो 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 करो, नहीं करना नैना को चाहिए वाला, नैना को चाहिए आराम से नैनू, अब क्या चाहिए नैना को, तो गाइस जब हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद फ्रूट कस्टर्ड खाएंगे, आप सब भी आ जाओ खाने के लिए, और आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है और मम्मी रख रही है, मैंने तो सुबह खा लिया था, पहले तो बहुत टेस्टी बना है, आजकल पूरा भरा भरा लग रहा है। क्या क्या नहीं आइसक्रीम में खा लो, अच्छा ना और हमें भाई बताएंगे कैसे रखा है, कैसे रखा है, और अब जो उधर खा रहे हैं मेरे हस्बैंड कैसे रखा है, हैं पास तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना भाभी को, हाँ